अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस ऑफ रोही के साथ मैं हूं नायला भट्टी। सबसे पहले शामिल करते हैं आज की अहम खबर। जी नाज़रीन, खबर शामिल करते हैं फाजिलपुर से। जिला भर में डीपीओ राजनपुर की तरफ से सिक्योरिटी के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। फाजिलपुर में सिक्योरिटी की सूरत हाल है, जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे ब्यूरो चीफ मुजाहिद रियाज से। जी मुजाहिद, क्या सूरत हाल है, आगाह कीजिएगा। जी, इस वक्त हम फाजिलपुर शहर में मौजूद हैं और डीपीओ रजनपुर की तरफ से सिक्योरिटी के इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। इस वक्त फाजिलपुर के SHO थाना सिटी मलिक चारनाथ भोसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जानते हैं कि सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए हैं और अमन अमान के सूरत को बरकरार रखने के लिए मजीद क्या इकदाम किए जा रहे हैं। जी सर, ये हर साल की तरह आपको मालूम है पुलिस के लिए ये दिन बहुत अहम होते हैं और स्पेशली IG साहब की तरफ से हिदायत हैं कि ये जो 2 दिन हैं ये इंतहाई अहम हैं और इनको हर पुलिस ऑफिसर अपनी भरपूर कोशिश से पुरअमन रखे और सिक्योरिटी को यकीनी बनाए। और कोशिश किए हुए हैं कि किसी किस्म की कोई भी बात ऐसी ना रह जाए जिसका कोई फायदा। 5 पिकेट्स शहर के मुख्तलिफ इस जुलूस के एरिया में लगा दी गई हैं जिसमें जो भी बंदा आएगा उसको बॉडी सर्च, मेटल डिटेक्टर और वॉक थ्रू गेट के जरिए स्कैनिंग की जाएगी। वो तभी अंदर आ सकता है, अदरवाइज ऐसा कोई वो नहीं है कि जिसमें हम कहें कि कोई फ़ायदा उठा के कोई ऐसा नाखुशगवार वाकया कर पाएगा। इंशाल्लाह हम पुरअज़म हैं और हम हालात का हर चीज़ का मुकाबला करेंगे। जी, ये तासरात थे SHO थाना सिटी मलिक चारनाथ भोसन साहब के। इन्होंने क्या कहना कि सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए और मुख्तलिफ दाखिली रास्तों पर खारदार तारों के जरिए रास्ते बंद कर दिए गए और हर आने जाने वाले को मुकम्मल तौर पर चेकिंग जारी है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहें वॉइस ऑफ रोही न्यूज़।